नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज तक भारत में और मैं हूं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। चलिए बात करते हैं दिन भर की टॉप 10 खबरों के बारे में। भारत कनाडा के विवाद के चलते पंजाब के ट्रेवल एजेंटों में मचा हड़कंप, करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर RBI का बड़ा बयान, कहा कि भारत 2007 तक अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। 3 दिन में बने 2.50 लाख आयुष्मान लाभार्थी कार्ड, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त दवाएं मिली। 17 सितंबर को शुरू हुआ था अभियान। टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी, सरकार ने कहा अपराधी या आतंकियों को मंच मुहैया न कराएं। भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस, नेशनल मेडिकल कमीशन को वर्ल्ड फेडरेशन ने 10 साल की मान्यता दी, सभी 706 मेडिकल कॉलेज शामिल। उत्तर प्रदेश के सरयू एक्सप्रेस पर महिला मुख्य आरक्षी पर हमले के मामले में STF और अयोध्या पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी नसीम ढेर, 2 अन्य घायल। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने जीता ब्रॉन्ज, यूरोपियन चैंपियन को 16-6 से दी एक तरफा हार। दिल्ली में पराली जलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, बायोडीकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करेगी केजरीवाल सरकार। बायोडीकम्पोजर के छिड़काव के लिए 11 टीमों का गठन, कृषि विभाग को खेतों का सर्वे करने के लिए दिए निर्देश। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी बड़ी खबर, आज विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश करेगा इसरो, उपकरण फिर से करेंगे काम। भारत की वेला रिवन ने ब्राजील के रियो द जेनेरो ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आज तक भारत के साथ।